जी गेहूं के कनस्तर में। निर्मल जी का बयान सुनने के बाद ये मामला यही निराधार साबित हो गया है और कृष्णा जी को निर्दोष साबित करते हैं। और इसके लिए आपको जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए माफी मांगते हैं। सर 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 एक बात बताइए तो, ये 50,000 रुपए का आप लोग क्या करेंगे? ये पैसा पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट आने तक हमारे पास ही रहेगा। ये भगवान, लक्ष्मी मैया भी खिसकली हाथ से, कृष्णा भी बच गई, कौनो काम नहीं। हे भगवान, इतना देर हो गया, ये लोग अभी तक आए काहे नहीं? तुम काहे इतना परेशान हो रही हो? ये सब कार्रवाई में टाइम तो लगता है ना। और माँ, रवि भैया, कृष्णा दीदी अकेले थोड़ी ना है, जीजा जी भी तो है उनके साथ, वो कृष्णा दीदी को कुछ नहीं होने देंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमको भी कुछ पूछना है कि कृष्णा के खिलाफ ये शिकायत कौन दर्ज करवाया था? अरे पिंटू जी छोड़े ना, फालतू के चक्कर में फंस रहे हैं, हमको तो बहुत चक्कर आ रहा है। अरे हमारी कृष्णा बिटिया निर्दोष साबित हो गई, अब और क्या चाहिए? देखिए ध्याती जी बिल्कुल सही कह रही है, वो का है ना, कृष्णा के दुश्मन बहुत सारे हैं, उसकी ईमानदारी के बहुत सारे दुश्मन हैं, कोई कर दिया होगा और का।